हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, पहला था शायद मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन के बारे में थ्योरी वाली क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहां से देख, दोनों इससे पहले वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उसको आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोन कूलम, QB -5 माइक्रोन कूलम, QC 2 माइक्रोन कूलम, QD -5 माइक्रोन कूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक तो स्क्वायर बना लेता हूं। स्क्वायर भाई साहब कहां है इसमें, चलो स्क्वायर भाई है, एक स्क्वायर है सब, दिख रहा है क्या, थोड़ा थिकनेस बढ़ा दूं, थोड़ा थिकनेस तो थिकनेस थोड़ा थोड़ा दिखा दे, पहले बढ़ा ले। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका नाम क्या है आपके पास, चार चार्जेस रखे गए हैं, यहां पर रखा गया है क्यू ए, यहां पर आपके पास रखा गया क्यू ए, ठीक है, यहां पर आपके पास है क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी, है ना, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रखे गए। क्यू ए कितना क्यों लिख लेते हैं नीचे, ठीक है, क्यू ए की वैल्यू है माइनस का 5 माइक्रोन कूलम, क्यू बी की क्यू सॉरी क्यू ए की वैल्यू कितनी है, ये तो बड़ा बवाल वाला काम है, QA की वैल्यू है 2 माइक्रोन कूलम, ठीक है, QB की वैल्यू है -5 माइक्रोन कूलम, QC की वैल्यू है 2 माइक्रोन कूलम एंड QD की वैल्यू है -5 माइक्रोन कूलम, ठीक है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ये स्क्वायर है इसका साइड कितना आपके पास, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोन कूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, तो इसके सेंटर पे पूछ रहा है कि जैसे यहां से एक लाइन खींचते हैं और यहां से एक लाइन, तो पूछ रहा है इसके सेंटर पर यहां पर एक चार्ज रखा गया है, कितना रखा गया है 1 माइक्रोन कूलम रखा गया है, इसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा इस पूरे सिस्टम के वजह से वो आपको बता, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं टी और ओ के बीच में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी -5 कूलम का चार्ज है और यहां पर भी -5 माइक्रोन कूलम का चार्ज है, यहां 2 माइक्रोन कूलम का है और यहां पर भी 2 माइक्रोन कूलम का है, ठीक है, अब ये भाई साहब इधर एक फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स का नाम क्या होगा, डी ने ओ पे फोर्स लगाया, कितना लगाया जल्दी बताओ, कितना लगाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे बोलो, डी ने ओ पे फोर्स लगाया, क्या नाम होगा, एफ ओ डी, डी ने ओ पे फोर्स लगाया, ये तो होगा एफ ओ डी। सिमिलरली बी ने ओ पे फोर्स लगाया, इसका नाम क्या होगा जल्दी बोलो, एफ ओ बी, लेकिन दोनों फोर्स देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अब बताओ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये फोर्स क्योंकि देखो ये भी -5 माइक्रोन कूलम और ये भी 1 माइक्रोन और ये भी देखो -5 माइक्रोन कूलम ये भी 1 माइक्रोन कूलम, ये दोनों फोर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ओ डी इज इक्वल टू एफ ओ बी, लेकिन माइनस, क्यों माइनस का, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लग रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं, अच्छा फिर चलते हैं सिमिलरली इसकी बात करते हैं, इनको देखा जाए ए ने ओ पे फोर्स लगाया, बताओ इसका नाम क्या होगा, एफ ओ ए, इधर लगेगा फोर्स, लगेगा कि नहीं लगेगा,
यस सर। उसी तरीके से सी ने ओ पे फोर्स लगाया, बताओ क्या नाम होगा इसका नाम? एफ ओ सी। ये भी दोनों फोर्स इक्वल है क्योंकि देखो ये डिस्टेंस सेम है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है सेम है। यहां पे चार्ज 2 माइक्रोन कूलम 1 माइक्रोन कूलम, यहां पे भी चार्ज 2 माइक्रोन कूलम 1 माइक्रोन कूलम, दोनों का चार्ज भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा, एफ ओ ए इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ सी। अब यहां पूछ रहा है टोटल फोर्स कितना लग रहा हो, ठीक है, तो टोटल फोर्स होगा वो एफ नेट, जो अगर हम बात करें एफ नेट होगा वो होगा एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी, वेक्टर लगा लो, ठीक है। अब चलो रख लेते हैं एफ नेट की वैल्यू कितनी मिलेगी, जल्दी फिर से बताओ बच्चों, एफ ओ डी की वैल्यू कितनी है माइनस का एफ ओ बी, एफ ओ बी को एफ ओ बी रहने देते हैं जैसे कहते हैं ऐसे, प्लस एफ ओ ए की जगह क्या लिख सकते हैं जल्दी से बोलो, हाँ माइनस का एफ ओ सी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसको भी डाल लेते हैं, ये हो गया माइनस का एफ ओ सी और प्लस का ये क्या है एफ ओ सी है ही है, तो एफ ओ सी से एफ ओ सी कैंसिल, एफ ओ बी से एफ ओ बी कैंसिल, नेट फोर्स कितना मिला जीरो मिला। मतलब अगर मोटी मोटा हमारे पास एक दिमाग में बात आ गई, अगर एक स्क्वायर है यहां पर चार्ज और यहां पर चार्ज अगर दोनों सेम है, यहां पर चार्ज और यहां पर चार्ज अगर ये भी दोनों सेम है, ठीक है, तो इसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना लगेगा आपके पास जीरो लगेगा। बात समझ आ गई, एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाएगा तो भी आप देखते बता देंगे, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बात समझ आ गई बच्चों, यस नो। चलो थोड़ा सा लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करना है फटाफट, नोट करो आप लोग, वीडियो को समझ में आया यस तो बोलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ये है an electrostatic field lines is a continuous curve that is the field lines cannot have sudden break by and by what, तो बहुत हमने बताया था पढ़ाते समय, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव से निकलता है कहां जाता है नेगेटिव पर जाता है, कब तक, जब तक कि वो नेगेटिव चार्ज पे पहुंच न जाए, अगर फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल गई है तो ये कब तक जाएगी, जब तक वो नेगेटिव तक पहुंचेगी नहीं तब तक उसके अंदर कोई सडन ब्रेक नहीं होता, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी हमने बताया है, हां टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज़ इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन two tangent are formed and these two tangent represents two direction of electric field lines which is not possible, ये भी हमने बताया है, properties वगैरह पढ़ाया है सब दोनों, ठीक है। चलते हैं next question, मैं कर लूँगा। चलिए अगला question है, ये भी एक अच्छा question है, देखते हैं क्या बोलता है, समझने का प्रयास करिएगा, कोई doubt होगा तो पूछ लीजिएगा बच्चों। चलिए next question देखते हैं क्या बोला है, two point charges QA 3 माइक्रोन कूलम एंड क्यू बी -3 माइक्रोन कूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम, वेरी गुड। मतलब दो चार्जेस हैं बच्चों, दो चार्जेस रखे गए हैं ऐसे, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं, यहां पर है आपके पास क्यूए, क्यूए जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोन कूलम और यहां पर आपके पास एक वैल्यू है QB जिसकी वैल्यू है -3 माइक्रोन कूलम, ठीक है बच्चों। वीडियो बोलो, कोई डाउट होगा पूछ लेना फटाफट, चलो सही आ रहा है, कम वीडियो में क्लियर आ रहा है। तो क्या बोला है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर अपार, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB, ये A और B था, ये A और ये B था, इसके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब एकदम बीचों बीच, ठीक है, जो कि ओ है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इन दोनों चार्ज की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचपन में एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सबको याद ना, ये यूज करना, कैसे यूज करना मैं आपको समझाता हूं, तरीका देखिएगा। सबसे पहले
अगर मैं इस चार्ज से एट पॉइंट ओ की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर माइनस से इसके माइनस 3 माइक्रो कूलम से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो तो भी डिस्टेंस कितना होगा, वही है ना, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा ना, यस नो। चलिए अब ध्यान समझने का प्रयास है, इंपॉर्टेंट चीज ये है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से दूर, मतलब ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ई ए इसको बोल दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए वाले से इधर जा रहा होगा, यस चलो। अच्छा अगर मैं बात करूं यहां पर एक निगेटिव चार्ज रखा गया बी पॉइंट पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके तरफ जाएगा या इससे दूर जाएगा, इसके तरफ जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इसके तरफ गया। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक डायरेक्शन में जा रहे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ए प्लस ई बी। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं निकालने का तरीका, तो यही तरीका था, फिगर बना लोगे काम बन जाएगा आसानी से। तो आपके पास जो ई नेट मिलेगा बच्चों, ई नेट मिलेगा वो होगा ई ए प्लस ई बी, कोई तकलीफ, ई ए कितना होगा पहले ये जल्दी से बताओ, ई ए की वैल्यू होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि आर की दूरी यहां से क्या होगा एओ स्क्वायर, ए होगा ना के 9 × 10 to the power, अच्छा चलो इसको भी हम मिटा लेते हैं, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू तुम लोग पाते, ई भी देख लेते कितना होगा, ई भी ईवी कितना होगा, ये भी होगा के क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या होगा ओबी स्क्वायर। अब यहां पर के क्यू के की वैल्यू हो गई 9 × 10 to the power 9 × क्यू की वैल्यू हो गई 3 μC 3 × 10 to the power −6 होल अपॉन में 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा 10 × 10 to the power −2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप यहां पर निकालो इसकी वैल्यू क्या रहेगा, के की वैल्यू 9 × 10 to the power 9 क्यू की वैल्यू यहां पे कितना है 9 − 3 × 10 to the power −6 मैंने बोला ना मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वही चीज 10 × 10 to the power −2 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या दिख रहा है, ई और ई भी दोनों बराबर दिख, ई ए और ई भी हमेशा क्या दिख रहा है बराबर दिख रहा ना, तो हम ई नेट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो, ट्वाइस ऑफ ई ए लिख सकते हैं, ब्रैकेट लिख लेंगे सिंस ई ए इज इक्वल टू ई बी, यस या नो, तो बस ई नेट की वैल्यू हमारे पास मिल गई ट्वाइस ऑफ ई ए की वैल्यू कितने आए, किसी को उठा लो 9 × 10 to the power 9 × 3 × 10 to the power 6 होल माइनस होल अपॉन में 10 की पावर −1 नीचे हो जाएगा 10 की पावर −1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या सर, यस चलो यस सर, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, हमारे पास फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बस हम जूम कर लेंगे, अच्छा भाई तुम बराबर में आ गया, ठीक है। अब मैं यहां क्या करता हूं सॉल्व कर लेता हूं, यहां पर ई नेट की वैल्यू कितनी होगी थोड़ा ध्यान देते हैं, चलो ई नेट की वैल्यू होगी बच्चों आपके पास भले 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 27, 27 = 54, ये हो गया इनटू 10 की पावर कितना होगा, ये हो गया 10 की पावर 9, ठीक है 10 की पावर 9 − 6 और नीचे हो जाएगा −2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +2, कितना आ गया जल्दी से बोलो आंसर कितना आ रहा है जल्दी बोलो, ई नेट की वैल्यू नेट इज इक्वल टू हो गया आपके पास 54 × 10 to the power 5,
यूनिट बता दो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई? नोट करो फिर इसका सेकंड पार्ट बता देंगे। ए पार्ट था आपके पास, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। वीडियो लग समझ में आया? इसी में थोड़ा सा जगह बना देता हूँ, इस हमारी साथ को उठा करके यहाँ लेते आ रहे हैं। एक मेरे पास नीचे जगह बन गई अगला क्वेश्चन लगाने के। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। डी पार्ट बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? वीडियो वालों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं। क्या बोला है? इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इनटू 10 की पावर माइनस 9 इज प्लेस एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज। मतलब यहां पर ये जो पॉइंट ओ था, इस पॉइंट ओ पर, ये पॉइंट जो ओ है, इस ओ पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया गया जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? ये है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम का रख दिया गया। तो बताओ यहां पे फोर्स कितना लगेगा? तो पहले तो आप लोग जान रहे हो कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लग रहा है, वो ये लग रहा है 54 इंटू 10 की पावर 5। इतना पता है, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, चार्ज पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप ऐसे निकाल सकते हो, आप एफ ई इज इक्वल टू, बच्चों आपने पढ़ा है एफ बाई क्यू नॉट, पढ़ा कि नहीं? तो एफ इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो ई क्यू नॉट। तो ई तो पता ही है यहाँ पे, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और क्यू नॉट की जगह आप क्यू रख दो, क्यू नॉट की जगह आप रख दो क्यू रख दो यहाँ पर सिंपली। कौन सा चार्ज वहां पर रखा गया है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी जल्दी बताओ? 54 इंटू 10 टू द पावर 5। और कैसा चार्ज वहां रखा गया है? नेगेटिव चार्ज कितना रखा गया है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा। चेक करें मेरे पास कैलकुलेटर यहीं कहीं है क्या आसपास आजू बाजू? एक कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मल्टीप्लाई करो, लगभग मैं बता दे रहा हूं इसकी वैल्यू आ रही है, आगे भाई ये आ रहा है 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बात समझ आई कैसे आई? नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए, जिसकी वैल्यू आपके पास दे रहा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, एंड क्यू बी माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, लोकेटेड एट अ पॉइंट 0.0, -15 सेंटीमीटर, एंड बी पॉइंट आपके पास है 0.0, -15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ देते हैं, बोर्ड एग्जाम में जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी। अरे नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी मैं ये पूछ रहा हूं। नेगेटिव टू पॉजिटिव हम जानते हैं, बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग, निकाल लोगे जब इतना जानते हो तो सब कुछ कर लोगे। देखो क्या है, समझने का प्रयास करना क्या कहानी है, ठीक है? चलो ये देखो हमारे पास बोल रहा है, एक बना लेते हैं हम लोग। A system has two charges QA and QB, ठीक है? चलो मैं बना लेता हूं एक लाइन। यहां पर सपोज करो आपके पास QA रखा गया है, ठीक है? यहां पर आपके पास QA रखा गया है जिसकी वैल्यू कितना है बच्चों? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है? और यहां पर QB रखा गया है सपोज करते हैं जिसकी वैल्यू है माइनस का 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। किसी बच्चे को दिक्कत? यस से नो बोल देगा। किसी बच्चे को तकलीफ होगी तो तुरंत बोलेगा।
ऐसा कोई है जिसको तकलीफ नहीं हो रही है? ठीक है, अच्छा दीज आर लोकेटेड, ये ए भाई साहब कहां लोकेट किया जा रहा है? ये ए का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है कितना, 0.0-15 सेंटीमीटर, दिख रहा है कि नहीं? ये वीडियो वालों को नहीं दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है क्या बच्चों? येलो ले लूं? दिख रहा है, दिख रहा है, मैं कलर ही येलो कर देता हूँ, तो प्यारा सा है येलो, चमाचम दिखो चमचम, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है बच्चों ये दे रहा है आपके पास कितना, 0.0+15 सेंटीमीटर, मतलब ये बच्चा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस, इसका मतलब ये जेड एक्सिस है और ये क्या है, ये जेड डैश एक्सिस है, क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट दिख नहीं रहा था, हमें ही नहीं दिख रहा है दूसरे के, तो हम बात छोड़, इसका कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास जल्दी से बोलो तो, 0.0-15 सेंटीमीटर, तो माइनस का मतलब होता है जेड डैश, है ना, तो ये जेड डैश हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान समझना, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द टोटल चार्ज, पहला बोला है कि टोटल चार्ज क्या होगा, तो बताओ टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू नेट इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए की वैल्यू कितना है, 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, प्लस क्यू बी की वैल्यू कितना है, −2.5 × 10⁻⁷ कूलम, कितना हो गया क्यू नेट की वैल्यू, नेट चार्ज कितना हो गया जल्दी बोलो, जीरो, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, जीरो, क्लियर हो गया। दूसरे बात करता है, दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है जल्दी से बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल 2a into q, ठीक। आप देखो 2a क्या होता है, बताओ 2a क्या होता है, निगेट, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है जल्दी बोलो, 2a, यही होगा ना, ये 2a की वैल्यू कितनी है, देखो मान लो ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से ये होगा +15 और ओरिजिन से होगा माइनस 15, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है बच्चों, चलो 2a की जगह हो गया 30 और सेंटीमीटर मीटर में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, -2, नहीं समझ में आ रहा है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, मॉड से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव बाहर निकलेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों में से किसी भी चार्ज ले लो, क्या है आपके पास, 2.5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, भगवान इतना तो बुद्धि सबको दिए हैं, बताओ कितना होगा, 75 पॉइंट से काम खत्म हो जाएगा, आ रहा ना मल्टीप्लाई करने, इंटू 10 की पावर बोलो −2 −7 −9, इसकी यूनिट क्या होगी, डायपोल मोमेंट, देखो 2a × q, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर, याद आ गया। अब मैं तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ दूं, मैं पूछ रहा हूं इसमें दिया नहीं है, मैं पूछ रहा हूं सी बॉक्स क्वेश्चन, कि बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन किधर, तो हमको पता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, तो नेगेटिव चार्ज कौन है, और पॉजिटिव कौन है, मतलब होगा क्यूबी टू, मतलब फ्रॉम बी टू ए, इसको बी पॉइंट बोलेंगे और इसको ए पॉइंट बोलेंगे, तो क्या होगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम बी टू ए, किधर से किधर होगा, बी टू ए, बात समझ में आ गई सबको, नोट करो फटाफट, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद अ डायपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है आपके पास, अरे लिख दो भाई, गरीब बात नहीं है, लिख रहा लिखना नहीं चाह रहा, 4 × 10⁻⁹ कूलम, विच इज अलाइंड एट 30 डिग्री होना चाहिए, भाई साहब खा गए हैं,
with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट एट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब क्या क्या गिवन है, पहले बोलिए सॉल्यूशन। देखो पहले गिवन है डायपोल मोमेंट पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों आपके पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर। ठीक है, थीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास कितना 30 डिग्री। ठीक है, विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन सही नहीं दिखा गया, अरे बेइज्जती हो जाएगा भाई, न्यूटन जी है, फिजिक्स में पापा है। न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। बच्चों आप लोग बताओ टॉर्क का फॉर्मूला, टी साइन थीटा, फिजिकल एजुकेशन साइन थीटा याद होगा सबको। चलो वेरी गुड, तो पी की वैल्यू कितना है 4 × 10⁻¹। E की वैल्यू 5 × 10⁴ × sin 30 डिग्री। चलिए रखते हैं टॉर्क इक्वल टू 4 × 5 × मतलब पहले नंबर नंबर को एक साथ 10⁻¹ को एक साथ −9 + 4 × sin 30 की वैल्यू 1/2। 2 से काट लिया 2 टाइम्स टॉर्क इक्वल टू मिला 2 × 5 = 10 × 10⁻¹ इधर कितना मिला −9 + 5 5 और एक और हटा दो क्या मिलेगा, बोलो 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 10⁻⁴ क्या यूनिट क्या होगा, बोलो 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 टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूटन मीटर, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। कहीं कहीं जूल भी दिखता है ना, क्योंकि हम जानते हैं वर्क का भी फॉर्मूला ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी न्यूटन मीटर या इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं जूल भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है कि सर न्यूटन मीटर ही हर जगह लिखे। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।